सरायमीर थाना क्षेत्र संजरपुर गांव में ही पहली बार कोरोना पॉजिटिव का एक केस सामने आया है, जिसका नाम रामानंद गुप्ता, पिता का नाम तारकेश्वर और माता का गीता देवी है, जो 21 अगस्त की शाम को अयोध्या से आया था और अपने साथ साथी को लेकर अयोध्या गया था। वापस आने के बाद गांव के कोरोना टेस्ट का कार्य संजरपुर के मिडिल स्कूल में डॉक्टर परवीन चौधरी, डॉक्टर ब्रजेश, डॉक्टर मोहम्मद अजम और उनकी पूरी टीम के साथ लेखपाल रामू की मौजूदगी में कार्य चल रहा था। गांव के काफी लोग कोरोना टेस्ट करवा रहे थे। उसी टेस्ट के बीच रामानंद और उनके साथी का भी टेस्ट किया गया, जिसमें उसके सभी साथी निगेटिव आए और रामानंद गुप्ता पॉजिटिव पाया गया। रामानंद के परिवार वाले भी निगेटिव पाए गए। रामानंद को एम्बुलेंस में डालकर आजमगढ़ हॉस्पिटल भेज दिया गया और उसके घर समेत अगल बगल के लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। गांव में भय का माहौल बना हुआ है। आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज 24, आजमगढ़ से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। नहीं अब वो हम डाल देंगे ना, अब न्यूज पे डालेंगे, हमारा है ना ये कहा। मोहम्मद अबू तलहा जी, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज 24, भ्रष्टाचार के खिलाफ।